बच्चों अपन शुरू करते हैं न्यूट्रिशन का चैप्टर है अगला चारागाह। चारागाह क्या होता है? चारागाह एक स्पेसिफिक एरिया है ना, एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें पशु को चरने के लिए छोड़ा जाता है, स्वतंत्र छोड़ा जाता है चरने के लिए, वो क्या कहलाता है? चारागाह कहलाता है ना। चारागाह में डिफरेंट तरह की घासें उगी हुई होती है ना, अलग अलग तरह की घासें उगी हुई होती है ना। चारागाह का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? चारागाह का प्रबंधन करना चाहिए जैसे चारागाह के अंदर अलग अलग तरह की घासें बोनी चाहिए है ना, और न्यूट्रिशन वाली घासें बोनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की घासें बोनी चाहिए है ना। और जैसे उसके अंदर कोई टॉक्सिक पादप है ना, खरपतवार है, तो उसको निकाल देना चाहिए। टॉक्सिक पादप है, खरपतवार है, तो उसको निकाल देना चाहिए है ना। चारागाह की चारों तरफ से फेंसिंग होनी चाहिए, चारागाह की चारों तरफ से फेंसिंग होनी चाहिए, तार से उसकी चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए है ना। उसमें पेड़ पौधे लगे हुए होने चाहिए ताकि पशु होता है वो आसानी से छाया में बैठ सके है ना। ये क्या है? चारागाह के प्रबंधन के कुछ पॉइंट्स हैं है ना। अब है चारागाह के टाइप है ना। चारागाह कितने प्रकार का होता है? चारागाह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कृत्रिम है ना, कृत्रिम चारागाह, और दूसरा होता है प्राकृतिक है ना। चारागाह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक चारागाह जैसे पहाड़ी क्षेत्र है ना, वन विभाग का क्षेत्र है, ये क्या है? प्राकृतिक चारागाह होते हैं जिनमें पशुओं को छोड़ा जाता है चरने के लिए, आसानी से पशु चर के और वापस आ जाता है। कृत्रिम चारागाह होता है जो मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित चारागाह होता है जिसके मानव के द्वारा खुद है ना एक चारागाह तैयार किया जाता है एक एरिए के अंदर, जिसकी फेंसिंग कर दी जाती है और उसके अंदर डिफरेंट तरह की घासें बोई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम चारागाह कहलाता है। अब चारागाह में पशु को चरने की पद्धति है ना, चारागाह में पशु को चराने के लिए किस पद्धति से चराना चाहिए? दो तरह की पद्धति होती है, एक होती है रोटेशनल पद्धति और एक होती है ओवेन पद्धति है ना। रोटेशनल पद्धति होती है, उसके अंदर क्या होता है कि पशु होता है उसे रोटेशन से चराया जाता है, कि एक चारागाह होता है उसे अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया जाता है ना, अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया जाता है, और बांटने के बाद उसको क्या किया जाता है कि एक भाग के अंदर एक सप्ताह तक पशु चराते हैं, दूसरे भाग के अंदर दूसरी सप्ताह तक पशु चरता है, तीसरे भाग के अंदर तीसरी सप्ताह का पशु चरता है, तो उसके अंदर ऐसे रोटेशनल चलता रहता है। फिर जैसे ही चार पांच भाग जैसे बना रखे हैं, वो भाग पूरे होते ही उन्हें पहले भाग पर वापस चरने के लिए छोड़ा जाता है, तो ये क्या है? रोटेशनल विधि, पशुओं को रोटेशन के अनुसार चराया जाता है। दूसरी पद्धति होती है ओवेन है ना। ओवेन पद्धति सबसे अच्छी पद्धति है, इसके अंदर क्या होता है, पशु को जो पशु दूध देने वाले पशु हैं उनको अलग चरने के लिए भेजा जाता है, और जो ड्राई पशु होते हैं दूध नहीं दे रहे वो पशुओं को अलग चारागाह के अंदर भेजा जाता है ना। चारागाह उसी चारागाह के अंदर भाग होते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग भेजे जाते हैं। जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन्हें अलग भेजा जाता है, और जो ड्राई पशु होते हैं उन्हें अलग भेजा जाता है। तो ये क्या है, एक छोटा सा चैप्टर चारागाह है ना। तो चारागाह क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की घास, अच्छी क्वालिटी की घास लगी हुई होती है ना, जिसके अंदर पशुओं को चरने के लिए छोड़ा जाता है ना, ये चारागाह कहलाता है। ठीक है।